जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्चन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्चन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अर्चन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्चन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किस मामले को लेकर के आप एक आंदोलन चला रहे हैं? साहब, जाति का प्रमाण पत्र कबीर नगर बस्ती में जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि पूरे प्रदेश में दुसाध ढाढ़ी को दुसाध मान का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, लेकिन कबीर नगर जनपद में प्रमाण पत्र को लेकर तहसील प्रशासन हिलाहवारी कर रहा है और प्रमाण पत्र अभी नहीं जारी कर रहा है, जिसको लेकर पूरा दुसाध समाज आक्रोशित है। इसके पहले भी दुसाध समाज का प्रमाण पत्र बना है, लेकिन अब क्यों नहीं बन रहा है? प्रशासन की मनमानी है, और इस जबकि प्रमाण पत्र के संबंध में कईयों आदेश जारी किया गया है, लेकिन उस आदेश को मानने को तैयार नहीं है। उच्च अधिकारी क्या कहते हैं इस बात को लेकर? उच्च अधिकारियों का कहना है कि सर, ढाढ़ी को एक अलग जात बताते हैं, जबकि ढाढ़ी और दुसाध में कोई अंतर नहीं है। ढाढ़ी ही दुसाध है, दुसाध ही ढाढ़ी है, दोनों एक दूसरे के गुप्ता है, दोनों में गुप्ता है, ढाढ़ी दुसाध में कोई अंतर ही नहीं है। इसको जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं। शासित प्रशासन के द्वारा भी देखा गया, बाप का जात प्रमाण पत्र बना दिया गया, लेकिन बेटा को वंचित कर दिया गया, इससे क्या कहेंगे? इसी तो समझ में नहीं आ रहा है सर, कि परिवार में एक सदस्य का प्रमाण पत्र जारी है, लेकिन अन्य सदस्यों का प्रमाण पत्र जारी करने में शासित प्रशासन को शासनादेश का इंतजार है। पता नहीं किस शासनादेश पर जारी कर रहे हैं और किस शासनादेश का इंतजार कर रहे हैं। दुसाध समाज के लोगों को परेशानी सामना करना पड़ रहा है। आपके जो है 16/2/21 में धनघटा तहसील से, 16/2/21 में धनघटा तहसील से, 22/2/16 में कई हजार प्रमाण पत्र ऐसे जारी हो चुके हैं, और अब रोक दिया गया। आपकी बिना किसी साधना के, जबकि ऐसा कोई साधना देश नहीं है कि दुसाध प्रमाण पत्र रोक दिया जाए। जारी हो रहा तो फिर ऐसे जारी हो निरस्त कराते हैं, लेकिन पहले आप जो कमिश्नर महोदय का जो आदेश है उसके लिए आप चले जाओ प्रमुख सचिव और वो जैसे रिमांड होंगे मेरे पास आ जाएगा, हम वही करेंगे। आप अपील करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेमी जुडिशियल आर्डर है, तो या आपको लगता है कि हमको नहीं सुना गया है, तो आप कमिश्नर साहब के यहाँ जाएंगे। लेकिन कमिश्नर साहब के यहाँ जाने से अच्छा है व्यक्तिगत नहीं रहा है कि आप प्रमुख सचिव साहब वहाँ से रिमांड हो गए। प्रमुख सचिव का 2012 में प्रमुख सचिव साहब ने इसको टर्न डाउन किया था, लेकिन 2020 का है उनका आदेश, पिछले कमिश्नर का, इसमें ये 2012 में टर्न डाउन किया था, लेकिन 2020 में एक आदेश कर दिया इन्होंने कमिश्नर साहब ने कि ये दोनों जातियाँ पृथक हैं, तो उस आर्डर के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जिलाधिकारी से ऊपर की कमेटी है, एक तो जिले स्तर कमेटी होती है, दूसरी कमिश्नर और फिर प्रमुख सचिव समाज तो ये कोटी होता है कि अगर डीएम के आपको पता होगा, मैं राम नरेश पासवान, मेरा नाम है, मैं उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का। तो मैं ऐसे भी अनुसूचित जाति जनजाति के सभी लोगों के बीच में जाता हूँ, उसी के तहत आज दुसाध पासवान समाज के लोगों ने यहाँ बुलाया है, और यहाँ पर इनको जाति के जो परेशानियाँ हैं, चूँकि ढाढ़ी दुसाध एक ही है, ढाढ़ी एक गोत्र है दुसाधों का, और लेखपाल कानून को बदमाशी करते हैं, वो जो है
उनको जो है बलगलाते हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को जानकारी है, मैं आज डीएम से भी यहाँ बात किया हूँ, पर पहले भी मैं मुख्यमंत्री को लिख चुका हूँ इसके विषय में, तो इनका बनेगा और मैं सरकार तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि दोनों एक ही हैं, ढाणी दोसाध एक है और उनके जाति प्रमाण बने। और एक शुरू से भी ब्रिटिश ज़माने में भी सारे चौकीदारी इनको मिला था, आज भी यहाँ पर इनकी दयनीय स्थिति खराब है, कई गलतियाँ इनको खसरा में हो गया होगा अब। लेकिन दोनों का दुसाध और ढाणी में दोनों में शादी ब्याह होता है, बेटी की रोटी का संबंध है, दोनों एक ही है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो सरकार की तरफ से भी अपने आयोग की तरफ से भी इनका पूरा मदद करूँगा। दोनों एक है, जो अधिकारी बदमाशी करता है उसको दंडित कराऊंगा। अपील में जाना पड़ेगा उसको निरस्त कराने के लिए, वही ये तय हुआ है। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि दुसाध कौन सा सर्टिफिकेट तहसीलदार को चाहिए जिसके आधार पर मानेंगे कि ये दुसाध है और ये नहीं है, तो ये चीज़ बैठ करके तहसीलदारों को बैठा करके और मंगलवार तक ये तय कराते हैं कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए जिससे आप मानेंगे कि हाँ भाई ये है ना कि दुसाध जाति एससी में है, ये आप जारी कर रहे हो और करोगे, तो वो कौन सा प्रमाण चाहिए जिससे आप जानोगे कि ये रमेश हैं, ये हैं दुसाध के और ये दुसाध। ये जो नियम कानून है, जो बाध्यता है, उसके अनुरूप नियमानुसार जितना भी काम हो सकता है सब हम लोग कराने का, मिल करके आप सबके साथ कराने का प्रयास पूरा करेंगे। यही आज हमारी वार्ता है और आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आप लोगों को बधाई भी देता हूँ। दुख की भी बात है कि आप लोग इस कड़ाके की ठंड में बैठे भी हुए हैं। मेरा एक अपील है आप लोगों से, इस ठंड के नाते आप लोग ये चीजें समाप्त करें, चार लोगों को भेज दीजिएगा जो आपके कमेटी के लोग आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, मंगलवार को बैठ करके बैठक बुला करके तय करा के चीजें समाप्त करेंगे। जो विसंगतियां हैं, लेखपाल देखिए, लेखपाल क्या है, कारुंगो क्या है, तहसीलदार क्या है, आप सबसे छिपा नहीं है, हम लोग भी जानते हैं सारी चीजों को। अंकुश लगाने का पूर्ण प्रयास है कि जो नियम है उस नियम के अनुसार काम हो, कोई किसी को आपको रोके ना। मैं कह रहा हूँ आप गलत नहीं मांग रहे हो, आप दुसाध होते ही तो चाहते हो दुसाध का सर्टिफिकेट बने, और कुछ तो चाहते नहीं हो, तो ये होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ होना चाहिए, आप भी कह रहे हैं होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो कोई रोके ना उसको। इसके लिए मंगलवार को बैठक हो जाएगी और चीजों को निस्तारित करा के इस विसंगति को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक, एक और समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो थोड़ा बहुत निपुनाव लगा है वो भी हम लोग बैठ करके बातचीत करके अपील करा के वो भी समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे साथ रहेंगे, जो भी होगा आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। माननीय लगा सिंह बघेल जिंदाबाद, माननीय लगा सिंह बघेल जिंदाबाद। यहाँ पे अध्यक्ष जी, सभी सम्मानित हमारे धरना दे रहे सभी माताएं एवं बहने, पिता तुल बुजुर्ग बंधुओं, नौजवान साथियों, आज यहाँ पर बहुत दुखद है, बहुत पीड़ा भी है कि आप लोग चार दिन से बैठे हैं। चार दिन से बैठने की जानकारी हमको तो नहीं हो पाई थी, एक पहले दिन किसी ने फोन किया था, बाद में किसी ने बताया नहीं, आप लोग यहाँ आ गए। कल भी मैं डीएम कार्यालय आया था तो कोई दिखा नहीं, तो आज मुझे फिर जब फोन आया कि नहीं आप लोग यहाँ पे बैठे हो, तो हमने कहा कि नहीं आज हम मिलेंगे ही, तो ये नहीं पता था कि ये धरना अभी चल रहा, मैं तो समझ रहा था कि समाप्त हो गया है, आप लोग घर को चले गए हो, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन जो बिंदु है यहाँ पे जिसलिए आप लोग बैठे हैं कि दुसाध का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो दुसाध का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपसे लेखपाल पता नहीं क्या कहता है, तहसीलदार पता नहीं क्या कहते हैं, नायब तहसीलदार पता नहीं कहते हैं, ये जिला मजिस्ट्रेट भी स्वीकार कर रहे हैं कि दुसाध हमारे अनुसूचित में है, उनका सर्टिफिकेट बनना है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि कौन सा सर्टिफिकेट उनको मिल जाए कि कहें कि हम राकेश सिंह बघेल हैं, या हम राकेश सिंह बघेल नहीं है। ये तय करने के लिए क्या कागज की जरूरत है, मंगलवार को सभी तहसीलदार की बैठक एसडीएम की हो जाएगी यहाँ पे करा के, वो चीजें आपके अध्यक्ष जी को मैंने कहा कि आप भी आ जाना, हम भी आ जाएंगे, बैठ करके तय करा के आप लोगों को लिख के मिल जाएगा, वो कागज आप देना, आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा दुसाध का। एक बात, दूसरी बात कि कुछ लोग अपील में गए थे कमिश्नर के यहाँ, जैसे दाढ़ी जात के रहे होंगे या जो भी रहे होंगे, तो कमिश्नर के यहाँ से अभी जल्दी एक साल पहले कुछ आदेश हो गए हैं, उन्होंने नहीं माना, उस आदेश के नाते आप लोग की मजबूरी है क्योंकि आपसे ऊपर का अधिकारी ने कोई आदेश कर दिया है, उसको समाप्त करने के लिए भी मेरी बात हो गई है कि